दोस्तों, और अभी सुबह के 7:30 बज चुका है। अभी सो के उठा हूँ और कुछ अभी काम कर रहा हूँ, देख सकते हैं एडिटिंग हो रहा है। तो एक्चुअली आज मतलब गाड़ी का नंबर के लिए RTO ऑफिस जाना होगा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि लगभग 1 महीना से ज़्यादा हो चुका। बीच में इलेक्शन सब था, तो उसमें भी बात किए, तो उसमें इलेक्शन चल रहा था, तो उसका कुछ काम नहीं हो पाया गाड़ी के नंबर के लेके। इलेक्शन सब कंप्लीट हो चुका है, तो आज निकलूँगा पापा के साथ, तो जाऊँगा। गाड़ी के नंबर सबसे पहले ज़रूरी है लगाने के लिए, क्योंकि तभी लॉन्ग ड्राइव जा सकेंगे, मतलब लॉन्ग राइडिंग कर सकेंगे। तो अभी मतलब 10 बजे तक एक लूँगा, अभी तो सुबह 7:30 बजे फ्रेश व्रेश होकर थोड़ा काम करके आज गाड़ी के नंबर के लिए फाइनली अप्लाई कर दूंगा। देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है, सारा कुछ आपको शेयर करते रहूंगा। तो दोस्तों रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि दिया हुआ है BMW की तरफ से, देख सकते हैं। इसी में सारा डॉक्यूमेंट्स है, गाड़ी का कागज़ जो कि जमा करना होगा नंबर के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं मुंगेर के लिए। तो अभी दोस्तों मुंगेर पहुंच चुके हैं, और यहीं पे RTO ऑफिस और मतलब यहीं पे कोर्ट सब है, तो अभी वहीं पे आ चुके हैं। अभी पापा अंदर गए हुए हैं, वकील जिससे बात किए हैं उनको उनसे मिलने के लिए। और यहाँ पे हमारा BMW लगा हुआ है। तो दोस्तों आ चुके हैं कचहरी में, देख सकते हैं जहाँ पे वकील साहब बैठता है। ये दोस्तों कोर्ट कचहरी, वो देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों अंदर हैं कचहरी के अंदर, और अभी थोड़ा वकील से बात कर रहे हैं इसके लेके। और यहाँ पे भी प्रिंट आउट के लिए आए हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि मतलब शोरूम से दिया है सारा कागज़, तो अभी जमा करना, ऑल कागज ओके है। बाकी बात देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है, आप लोगों से शेयर करते रहूँगा। तो अभी यहाँ पे गाड़ी का चीज नंबर लिया जा रहा है पेंसिल से, पेपर पे घिस कर। तो अभी दोस्तों कागज़ सब रेडी हो चुका है, अभी RTO ऑफिस में जा रहे हैं मतलब कागज़ जमा करने के लिए एंड चलान के लिए। तो देखते हैं क्या प्रोसेस होता है एंड देख रहे हो खाली गड्डी ही गड्डी है, और ये भी जमा करने जा रहे हैं मिनटों में। अभी ATM आए हुए थे वो पैसा निकालने के लिए, क्योंकि अभी काउंटर पे जमा करना होगा, और देखते हैं कितना जमा लेता है। वैसे तो 30,000 रुपया लेके जा रहा हूँ। तो अभी दोस्तों हम RTO ऑफिस में हैं, और यही है मुंगेर का RTO, जहाँ पे गाड़ी सब के लिए नंबर एंड ऑल सब कुछ करवा सकते, ट्रांसफ़र, न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन,
मतलब गाड़ी के जितने भी काम होता वो यहीं पे होगा। तो दोस्तों यहाँ का काम तो हो चुका, चलान कटवा लिए हैं, देख सकते हैं। अब 3 से 4 दिन के बाद फिर से आना पड़ेगा वो गाड़ी नंबर के लिए। तो आज का जो काम था कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे मुझे लेट फाइन भी लग चुका है 2700 रुपया। एक्चुअली ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आया, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो वैसे तो नॉर्मली 25000 रुपये लगता मतलब नंबर के लिए, बट अभी 2700 एक्स्ट्रा देना पड़ा, मतलब वही समथिंग अभी 28000 रुपया मुझे लगा। यहाँ पे चलान कटवाए हैं बिल्कुल, देख सकते हैं। और फिर 2-3 दिन के बाद फिर से आएंगे वो नंबर के लिए। सो दोस्तों मतलब घर तो आ गया हूँ, और अभी देखेंगे मैं सूट बूट पहना हूँ। एक्चुअली अभी मैं अपना टेक रंजन के लिए वीडियो शूट कर रहे थे इस वजह से, और अभी काफ़ी रात भी हो गया है, तो आने के बाद सो गए थे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देखेंगे चलान मेरा आ चुका है, जो कि चलान कटवाए थे, आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्स बता दूँ, जैसे कि टोटल जो मुझे पे करना पड़ा लगभग 28000 रुपया पे करना पड़ा है टोटल। एक्चुअली इसमें मुझे 2700 रुपया मतलब कुछ फ़ाइन देना पड़ा है, लेट फाइन, क्योंकि 1 महीना का ही टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन होता है गाड़ी का, और मेरा 1 महीना से ज़्यादा हो गया था, लगभग 15 से 20 दिन ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मुझे 2700 रुपये फ़ाइन पे करना पड़ा। अगर इसका ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो 25050 रुपये इसका ओरिजिनल प्राइस होता है। मतलब आप न्यू गाड़ी ले कर आते हैं मतलब टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन के लिए, और आपने डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, RTO ऑफिस जाते हैं उसे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नंबर के लिए, तो आपको मात्र 25050 रुपये लगेगा। डिपेंड करता दोस्तों गाड़ी पे, गाड़ी का प्राइस क्या है, सभी गाड़ी की नहीं बता रहा हूँ, डिपेंड करता आपके गाड़ी, क्योंकि मेरा BMW था, उसका प्राइस के अनुसार इसमें मुझे रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा, बाकी 2700 रुपया मुझे फाइन पे करना पड़ा। और तो दोस्तों यहाँ पहले मेरा कंप्लीट हो चुका है, और 3-4 दिन के बाद मैसेज में नंबर सब आ जाएगा, उसके बाद फिर से नंबर सब आ जाएगा, तो फिर हम आगे प्रोसेस जानेंगे फिर नंबर के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। इसी बीच में एक और आपको बता दूँ कि अगर आप एक यूनिक नंबर लेना चाहते हैं गाड़ी का, तो उसके लिए अलग से चलान कटवाना पड़ता है, लेकिन दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। मतलब जैसे कि आप अगर कोई 1 डिजिट का नंबर लेना चाहते हैं, जैसे 0001 2 इस तरह से, उसमें 1 लाख+ का चलान आपको लगेगा, और उससे नीचे का दोस्तों आपको मतलब मिनिमम, आपको यूनिक नंबर लेने के लिए मिनिमम आपको 35 से 40000 रुपया पे करना पड़ेगा मिनिमम। तो इसलिए, और बाइक था इसलिए मैं यूनिक नंबर नहीं लिया हूँ, अगर मतलब 4-व्हीलर रहता चलो कोई बात है, मैं बस ट्राई कर रहे थे अगर 4-5000 में काम चल जाता तो यूनिक नंबर लेते, बट सोची कि फालतू का पैसा देना 50-60000 रुपया गाड़ी के लिए, मतलब बाइक नंबर के लिए, अगर कोई कार रहता तो अलग बात था। तो यही था प्रोसेस दोस्तों पूरा, मतलब फाइनली मेरा गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर चुका हूँ, और जैसे होता है आगे चल के आगे जो भी प्रोसेस होगा मैं आप लोग को शेयर करते रहूँगा। सो आई होप कि आप लोग को छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो, तो अपनी तरफ से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।